हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब पोस्ट की, जो कि कंपनी सेक्रेटरी की जॉब वैकेंसी आई हुई है फैक्ट नाम की कंपनी में, जिसका फुल फॉर्म है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कंपनी में जॉब वैकेंसी और क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं फ्यूचर में लॉ से रिलेटेड, लीगल जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल सके। सो अबाउट द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड, द फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड इज एन मल्टी डिविजनल सेंट्रल PSC एंड अ पाइनियर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल विद द एक्टिविटीज स्प्रेड ओवर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंसल्टेंसी, फैब्रिकेशन एट्सेट्रा। इट इन्वाइट्स द एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द कंपनी सेक्रेटरी, डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी एंड द असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। चलिए देखते हैं क्या है कंपनी सेक्रेटरी के लिए पोस्ट की, आपको क्या एलिजिबल, कौन एलिजिबल है। तो इस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी की, वन वैकेंसी के लिए पोस्ट लाई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही एसोसिएट मेंबरशिप इन द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप CA, ICWA डिग्री इन लॉ होगा आपके पास, एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। इसकी सैलरी पे की बात की जाए तो आपको 36,600 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम आपको 62,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है। इसमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, यू शुड बी या 16 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव पोजिशंस इन कंपनी सेक्रेटरीट, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स शैल बी एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड लास्ट 3 ईयर्स शैल बी वी एग्जीक्यूटिव ऑफ PSUs इन E5 ग्रेड, दैट इज़ अ ₹32,900 टू 58,000 रुपीज़ सैलरी पे एंड द इक्विवेलेंट एंड द हायर ग्रेड, और इफ़ वर्किंग इन ऑर्डर इन अदर एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉइंग अ मिनिमम CTC ऑफ ₹15 लाख पर एनम। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो डिप्टी कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट विथ एसोसिएट मेंबरशिप इन इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड प्रिफर एडिशनल क्वालिफिकेशन CA, ICWA डिग्री इन लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। यू विल बी प्रोवाइड अ सैलरी पैकेज ऑफ द 32,900 टू 58,000 रुपीज़ पर मंथ एंड यू शुड बी अ 13 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव पोजिशन इन द कंपनी सेक्रेटरीट एंड लास्ट 4 ईयर्स शैल बी इफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द PSUs इन E4 ग्रेड, दैट इज ₹29,100 टू 54,500 रुपीज़ पर मंथ एंड और इक्विवेलेंट हायर ग्रेड, और इफ़ वर्किंग इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉइंग अ मिनिमम CTC ऑफ ₹13.5 लाख पर एनम। एंड यू थर्ड पोस्ट की अगर हम बात करें, देन थर्ड पोस्ट इज़ द असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो इसमें आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यू शुड बी अ ग्रेजुएट विथ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली एम्प्लॉयड। प्रिफर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको देखा जाए, किस एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इसके लिए इफ़ यू हैव अ CA, ICWA डिग्री इन लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट और द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, देन एंड इन दिस केस यू विल बी प्रोवाइड अ सैलरी पैकेज ऑफ ₹29,100 टू 54,500 रुपीज़ एंड यू शुड बी हैव अ 9 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव पोजिशन इन द कंपनी सेक्रेटरीट, लास्ट 3 ईयर शैल बी इफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द PSUs इन E3 ग्रेड, दैट इज ₹24,000 टू 900 टू 50,500 रुपीज़ और इक्विवेलेंट हायर ग्रेड, और इफ़ वर्किंग इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉइंग अ मिनिमम CTC ऑफ ₹12 लाख पर एनम। इन सारी जो 3 पोस्ट थी, इनके लिए अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें जाए तो मैक्सिमम एज 45 ईयर टू 52 ईयर्स दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ीस क्या है, द कैंडिडेट शैल सबमिट द नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹1,180 इंक्लूडिंग GST थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट अप्लीकेशन फ़ी।
आप इस वेबसाइट के थ्रू आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखें, द कैंडिडेट शैल सेंड द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच इज़ प्रोवाइडेड इन देयर वेबसाइट, ड्यूली फिल्ड विद द फी पेमेंट ऑफ फी रिसिप्ट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स टू प्रूव क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, कास्ट एंड करंट बेसिक पे एंड सैलरी स्केल CTC एक्सेट्रा बाई स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट एंड टू द HR डिपार्टमेंट FEDO बिल्डिंग उद्योग मंडल कोची, दैट इज़ द देयर पोस्टल कोड एंड सो एज टू रीच ऑन और बिफोर 4 PM ऑन 20 April 2020 एंड नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड, एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन सेल बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड दिस एंड आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम देयर वेबसाइट। एंड फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, नॉलेजबल एंड सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू दोस कैंडिडेट्स हू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will not be missed or any future videos related to legal jobs, legal field and legal education. Thank you so much.